अस्सलाम वालेकुम, ब्लड पैथोलॉजी का जो लास्ट हमारा टॉपिक रह गया ना वो है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया जो होता है ना, ये इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारे पास तीन तरह का होता है। हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है और हीमोफीलिया सी होता है। ठीक है, जो हीमोफीलिया होता है ए, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो है कि इस फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है 8 फैक्टर की। हीमोफीलिया ए में 8 फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, जो हीमोफीलिया बी होता है उसमें 9 फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और जो हमारे पास होता है हीमोफीलिया सी, उसमें होता है 11 फैक्टर की डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले याद रखना है। तो अब खुद सोचें कि जिन लोगों के अंदर क्या होगा, हीमोफीलिया अगर 8 फैक्टर नहीं होगा या 9 फैक्टर नहीं होगा या 11 फैक्टर नहीं होगा, तो इंट्रिंसिक पैथवे जो है इट कैन नॉट लीड टू थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे लोगों की अगर ब्लड वेसल के अंदर से इंजरी होगी तो वो हमारे पास कैस्केड नहीं चलेगी और थ्रोम्बस फॉर्मेशन वहाँ पे जो है एक्चुअली क्लॉट फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होगी, तो ऐसे लोगों की ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। अब इनमें जो हमने एक कॉन्सेप्ट लेना है वो ये कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वो हीमोफीलिया के लोगों में ठीक होगा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे बिल्कुल ठीक होगा जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन टाइम उनका नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन उनका जो होगा जो पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, बिकॉज इनकी डेफिशिएंसी है, इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है 8, 9 और 11 की, इनमें से किसी की, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा हीमोफीलिया है। ठीक है, उनमें क्या होगा कि पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये पैथवे ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास होगा, तो ऐसे हमारे पास पता चलता है। ठीक है, ऑब्वियसली क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी तो पेशेंट को सिम्टम्स भी आ रहे होंगे। अब ये होता है कि इसमें से मोस्ट कॉमन जो हीमोफीलिया होता है वो हीमोफीलिया ए इज़ द मोस्ट कॉमन। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये ना हमारे पास होता है हेरिडिटरी केस होता है, हेरिडिटरी। अब होगा क्या कि जब हीमोफीलिया में होगा क्या कि नॉर्मल ब्लड वेसल हमारे अंदर होती है तो उसमें हेमरेज अगर होता है तो क्लॉटिंग की वजह से वो ठीक हो जाता है, लेकिन हीमोफीलिया के लोगों में क्या होता है कि हेमरेज एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो वो नहीं रुकता, बिकॉज क्लॉटिंग ही नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा डेफिशिएंट है। और ऐसे लोगों में क्या होता है कि जो है वो ब्लीडिंग होती जाती है और वो जमा हो जाती है अंदर। ठीक है, बॉडी के पार्ट्स के अंदर। अब इसकी जो हमारे पास हेरिडिटरी डिजीज़ है ना, तो हमने ये देखना है कि अगर किसी ऐसे मतलब ऐसी लड़की की शादी जो है ना वो किसी ऐसे के साथ हो जाती है जो कि हीमोफिलिक है। ठीक है, फादर इज़ अ हीमोफिलिक, तो अब क्या होगा। ठीक है, एक्स वाई है और एक्स एक्स है। ठीक है, अब फादर जो होगा वो किसको पास करेगा अपना आगे, डॉटर्स को पास करेगा ना एक्स। ठीक है, वाई तो डॉटर्स में नहीं जा सकता, तो दोनों उसकी जो डॉटर्स होंगी, बच्चियां होंगी सारी, वो सारी कैरियर्स हो जाएंगी। ठीक है, कैरियर्स होंगे, उनको डिजीज़ नहीं होगी लेकिन वो कैरियर होंगी आगे से। यही अगर इनकी जो है इनकी बेटी की जो है वो आगे से कैरियर हुई थी और आगे से उनके जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, उसको हीमोफीलिया नहीं होगा, तो फिर आगे से क्या मसला होगा कि उनका जो एक बेटी होगी वो कैरियर होगी क्योंकि मदर से उसको एक एक्स मिल रहा है, और जो हमारे पास सन होगा उसमें से वाई क्रोमोसोम तो फादर से आ रहा है और एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा जो कि कैरियर है, तो सन जो है उसको क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम होती है हीमोफीलिया के जो हमारे पास फैमिली में होता है। ज़रूरी नहीं है कि हीमोफीलिया फैमिली में ही हो, फैमिली के बगैर भी कुछ लोगों में हीमोफीलिया के केसेस देखे गए हैं। ठीक है, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मींस कि ये ज़्यादा मेल्स में कॉमन होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया की जो नॉर्मल जीन होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद यह है कि डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हमारे पास जो है ना एक्स क्रोमोसोम डेफिशिएंट है, उसकी बेसिस में एक्चुअली ये काम होता है। जितना ज़्यादा हमारे पास होगा ना डिफेक्ट, देखें दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं ना, क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है और क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है। मींस कि आपका हीमोफीलिया जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है उसकी क्वालिटी खराब है या क्वांटिटी खराब है। ठीक है, क्वांटिटी में क्या होगा कि उसकी अमाउंट ही कम होगी, क्वालिटी में ही होगा कि उसकी अमाउंट तो ठीक है लेकिन उसकी क्वालिटी खराब। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का फैक्टर 8 डेफिशिएंट है उसकी बेसिस पे फिर सिम्टम्स आ रहे होंगे, उसकी बेसिस पे फिर क्लॉट की प्रॉब्लम आए। और जब ऐसे लोगों में जो है वो ब्लीडिंग होती जाती है, तो आपने हमेशा याद रखना है जो हीमोफीलिया के लोग होते हैं ना उनमें
हमारे पास जो ब्लीडिंग होती है वो अंदर होती है, मतलब बॉडी के अंदर पार्ट्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स के अंदर होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये है द पेनफुल हिमार्थ्रोसिस, ठीक है, हिमार्थ्रोसिस। जॉइंट्स में होगी तो हिमार्थ्रोसिस होगा, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। अगर तो ये मसल्स के अंदर होता है, ठीक है, अगर तो ये मसल्स के अंदर होता है, ये मसल्स के अंदर ब्लीडिंग हुई हुई है, ठीक है, मसल्स हिमाटोमा बना हुआ है, तो इसमें भी ऑब्वियसली पेन हो रही होगी। ये जो तीसरा आपको दिखाया हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली द किडनी, ठीक है, ये किडनी का केस है जिसमें क्या हो रहा है, हिमाचूरिया हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट करते हैं ऐसे लोग, और मोस्टली इनको इंट्राक्रेनियल और ओरोफ्रेंजियल भी हमारे पर ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, लेकिन वो रेयर होती है। अब जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिफेक्ट मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव आपका जो होता है ना क्वांटिटी, ज़्यादातर जो हीमोफीलिया के लोग होते हैं उनकी क्वालिटी जो है वो ठीक होती है, क्वांटिटी 90% ख़राब होती है, ठीक है, इसकी वजह से हीमोफीलिया होता है। मीन्स के जो हमारे पास बन रहे होंगे फैक्टरेट वो कम होगा, या ऐसे लोग जिनको कोई लिवर डिजीज़ है उनको भी ये हो सकता है ना। वैसे तो हमने कहा है फैमिली डिसऑर्डर, लेकिन लिवर डिजीज़ हो, क्योंकि लिवर से ही फैक्टर्स बन के आने हैं, ठीक है, तो ये होता है। अब जो है इनमें पिटेकिया नहीं होंगे, पिटेकिया आपको पता है ना, वो जो सुपरफिशियल हमारे पास छोटे छोटे स्पॉट्स बनते हैं ब्लीडिंग के, वो प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी में आते हैं। तो किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो आपको लग सकता है कि वो प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से है या कोगुलेटिव फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप जो है यही देखते हो, एक तो आप लैब्स भी करवाते हो, दूसरा आप अपीयरेंस से देखते हो। पिटेकिया आर कॉमन इन द प्लेटलेट्स, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो कोगुलेटिव फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से होगा, उसकी वजह से जो है हमारे पास जो पिटेकियाँ होंगे वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि जो है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑब्वियसली अगर हीमोफीलिया एट डिजीज़ है, मतलब कि फैक्टर एट की डेफिशिएंसी है, तो हम उसको फैक्टर एट देंगे, ठीक है, ठीक है, हीमोफीलिया एट देंगे उन लोगों को जिनको हीमोफीलिया एट की डेफिशिएंसी है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी दे सकते हैं जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं पेशेंट की ब्लीडिंग रोकने के लिए, ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं। जिसको हीमोफीलिया की मतलब हीमोफीलिया बी होता है और उसके अंदर जो है फैक्टर नाइन की डेफिशिएंसी होती है, उसको हम फैक्टर नाइन देंगे, ठीक है। और उसको जो हमारे पास हीमोफीलिया बी होता है उसका दूसरा नाम क्रिसमस डिजीज़ होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हम इसकी लैब्स करवाएंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसमें ज़्यादा होगा किसमें कम होगा, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हम देखेंगे, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम देखेंगे। ब्लीडिंग टाइम हमेशा प्रोलॉन्ग प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, हमेशा याद रखना है आपने, प्लेटलेट की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम करवा लिया। इसके अलावा अगर तो फैक्टर एट की डेफिशिएंसी होगी, हीमोफीलिया ए होगा तो फैक्टर एट की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, और अगर हीमोफीलिया बी होगा तो फैक्टर नाइन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है इस तरह से। इसके अलावा ना एक आपको बात बतानी है कि जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर होता है ना, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, ठीक है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर आपको पता है ना, वो जो प्लेटलेट्स की एडहीजन करवाता है ब्लड वेसल्स के साथ, ठीक है, ब्लड वेसल्स के साथ जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर होता है वो प्लेटलेट्स की एडहीजन करवाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली उसमें भी प्लेटलेट्स की ही डेफिशिएंसी होगी, और प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होगी तो ही ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, और ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। एक और बात के जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर होता है ना, ये हमारे पास फैक्टर एट का इसके साथ रोल होता है, मतलब इसने फैक्टर एट की जो है सही मतलब इसको रखना होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है बस। अगर हमारे पास वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, एक तो प्लेटलेट्स की कमी के भी सिम्टम्स आ रहे होंगे और फैक्टर एट की कमी के भी सिम्टम्स आ रहे होंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है, दोनों के सिम्टम्स आ रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब प्लेटलेट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो इनसे हमें डिस्टिंग्विश करना होता है ना कोगुलेटिव फैक्टर्स की डेफिशिएंसी और प्लेटलेट की डेफिशिएंसी। तो उसमें मैंने बता दिया कि उसमें ऑब्वियसली ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा, उसमें पिटेकिया आपको मिलेंगे, और प्लेटलेट्स में आपको प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी मिलेगी। उसमें पीटीटी और जो प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम है, ठीक है, उनका कोई चेंज नहीं होगा प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद रखना। और प्लेटलेट्स की अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है, मतलब प्लेटलेट्स उसको पिटेकिया मिले हैं, ठीक है, और उसका ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग आ रहा है, तो
ऐसे बंदे की हमने जो है ना देखा उसके ब्लड लेवल प्लेटलेट्स का, तो वो हमें मिला नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्वालिटेटिव प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है, क्वांटिटी उसकी ठीक है प्लेटलेट्स की, क्वालिटेटिव डेफिशिएंसी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको पिटेकी हुए हैं, आपने ब्लीडिंग टाइम चेक किया और उसके ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल आया, सॉरी उसका ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग आया, और आपने सोचा कि इसको प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है, आपने उसका टेस्ट करवाया, तो उसका टेस्ट आ सकता है, उसका टेस्ट आ सकता है जिसमें प्लेटलेट्स के नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो आपने ये सोचना है कि प्लेटलेट्स की इसको डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन है प्लेटलेट्स, लेकिन उनकी क्वालिटी ख़राब है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की भी क्वालिटेटिव ख़राब हो सकते हैं या क्वान्टिटेटिव ख़राब हो सकते हैं। एक और बात बतानी थी आपको कि अगर फीमेल्स के अंदर जो हीमोफीलिया हो तो वो कैसे होता है कि उनके अंदर टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल्स होती हैं उसमें आपको पता है ना हमारे पास टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर एक्स नॉट होता है। तो अगर उसमें तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ऐसे जो टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स होती हैं उनके अंदर हीमोफीलिया हो सकता है अगर उनकी जो है पेरेंट्स के अंदर था। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द हीमोफीलिया।